हेलो एवरीवन, दिस इज़ विक्रम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर न्यू वीडियोस। आज हम जानेंगे कॉमन इंग्लिश वर्ड्स यूजिंग इन समर, अर्थात वो कॉमन वर्ड्स जो कि हमें समर में यूज़ करने की ज़रूरत होती है, अर्थात गर्मियों में उन सेंटेंसेस को यूज़ करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम उन सेंटेंसेस के बारे में सीखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपके पास, सीट तप रही है। जैसे कई बार हम कहते हैं गर्मियों में सीट तप रही है, अर्थात सीट गर्म हो रही है। तो इस तरीके सेंटेंस को हम बना सकते हैं, द सीट इज़ हीटिंग अप, द सीट इज़ हीटिंग अप। धूप में मत बैठो, डोंट सिट इन द सनलाइट। और ज़्यादा गर्मी हो गई है, द वेदर हैज़ वार्म्ड अप। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट्स ए सनी डे। पसीने आ रहे हैं, आई एम स्वेटिंग। गर्मी लग रही है, फीलिंग हॉट। पंखा चला दो, ब्लो द फैन, या हम कह सकते हैं स्विच ऑन द फैन। ठंडी हवा चल रही है, कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। या हम एयर का यूज ना करें, इसके बजाय हमें यूज करना है विंड का, तो कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। सो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं जो कि हम समर में अर्थात गर्मियों में मोस्ट ऑफ यूज करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को आप डेली रूटीन में यूज़ करें, प्रैक्टिस करें, ताकि ये भी आपके स्पोकन का पार्ट बने। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक टुडे, एंड फॉर न्यू अपडेट्स यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।